सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन के क्रम में 57वीं कक्षा और अर्थ संग्रह के क्रम में 24वीं कक्षा। पिछली कक्षा में हमने कुछ तो नामधेय का देखा था और निषेध का प्रारंभ किया था कि निषेध निवर्तना करता है, विधि प्रवर्तना करती है, प्रवृत्त करती है, तो निषेध प्रवृत्ति से हटाता है, निवर्तना करता है, उस प्रवृत्ति से हमें हटा देता है, क्रिया से हटाता है, ये उसका मुख्य अर्थ बनता है। तो अब निषेध का ही और आगे देखेंगे, तो पिछले पाठ में से किसी को पूछना है तो पूछिए। पृष्ठ संख्या 164 164 हाँ, इसमें जो लाघव बता रहे हैं अग्नि शब्द, प्रजापति शब्द के साथ वहां पर अग्नि शब्द का जो विधान किए हैं चतुर्थी विभक्ति में, अग्नि प्रजापति च सायं जुहोति इति केचित्। आप पृष्ठ संख्या 164 कह रहे हैं जी, ये मूल था, इस मूल को लेकर वहां पर बात कर रहे थे। हाँ बोलिए। अग्नेय प्रजापतये च सायं जुहोति इति केचित् में जो अग्नेय शब्द है इसको अनूत्य करके फिर यहाँ पर प्रजापति का विधान कर रहे हैं, समुचित विधान कर रहे हैं, ऐसे करने पर लाघव होगा ये चीज कह रहे हैं। तो इस तरह करने पर लाघव किस प्रकार हो रहा है? तो समुचित उभय विधान अपेक्षया, दोनों का एक साथ विधान मानेंगे तो दो विधान मानने पड़ेंगे वहां पर। अन्यतः प्राप्तम अग्निम अनुत्य, एक तो होगा यहाँ पर अग्निर्ज्योति में वहां भी विधान है ही, और इधर भी विधान मानेंगे तो एक तो पुनर्वचन होगा, दूसरा दोनों का विधान मानेंगे तो दो वाक्य होंगे, और अगर इसका अनुवाद करते हुए केवल प्रजापति का विधान मानेंगे तो एक वाक्यता रहेगी। तो दो वाक्य बनते हैं तो गौरव भी माना जाएगा, एक ही वाक्य बनता है तो लाघव माना जाएगा। अनुवाद करने का क्या प्रयोजन रहा है? अनुवाद इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि दूसरा वाक्य अग्निर ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा ये मिल रहा है हमें, अगर वो वाक्य नहीं होता तो अब अग्नेय को भी हम विधि मानते हैं वहां पर, पर चूंकि दूसरा वाक्य मिल रहा है और अनुवाद उसे ही कहते हैं जो पहले कहा जा चुका है उसका पुनर्कथन हो रहा है तो उसको अनुवाद कहते हैं, सार्थक पुनर्कथन अनुवाद कहलाएगा, निरर्थक पुनर्वचन पुनरुक्ति दोष कहलाएगा, वो दोष में आता है और अनुवाद को दोष नहीं मानते, होता सार्थक है वो। यहाँ पर हम यदि अग्नेय प्रजापतये च सायं जुहोति में अग्नेय शब्द को अनुवाद ना करके अग्निर्ज्योति शब्द से देवता का विधान तो हो ही रहा है मंत्र से, तो वहां पर अग्नि शब्द से देवता का विधान हो जाएगा और यहाँ पर प्रजापतये का सीधा विधान हो जाएगा चतुर्थी होने से। वहां अग्नेय का क्या करेंगे, वहां जो अग्नेय पढ़ा है उससे क्या तात्पर्य लेंगे, वो भी अर्थ हो जाएगा फिर, तो उसका अनुवाद करते हुए और समुच्चय किया जा रहा है, एक को पहले कह दिया और दूसरा अब कह रहे हैं कि भाई इनको संतरा बांट दो, क्योंकि इनको संतरा और केला बांट दो, ये दो वाक्य हमारे को मिल रहे हैं, इनको संतरा और केला बांट दो, इसमें संतरे की भी विधि की जा रही है
संतरे की भी विधि की जा रही है ना, संतरा और केला बांट दो, तो केले की भी विधि की गई और संतरे की भी विधि गई, मानेंगे ऐसा? क्योंकि पहले एक वाक्य बोला जा चुका है, इनको संतरा बांट दो, एक वाक्य बोला गया, अब फिर दोबारा वाक्य बोला जा रहा है इनको संतरा और केला बांट दो, पिछला वाक्य व्यर्थ नहीं करना है, वो है। हम अपने वाक्यों में तो फिर भी घटा सकते हैं कि चलो उसको निरस्त करके हम ये दूसरा वाक्य बोल रहे हैं, लेकिन यहां तो वाक्य मिल रहा है, इसमें आप किसी वाक्य को निरस्त नहीं कर सकते। तो पहले कहा जा चुका है तो अब इसकी यही व्याख्या होगी मीमांसा की दृष्टि से कि संतरे का अनुवाद करते हुए केले को भी केला भी बांट दो, नहीं तो पहले बोलते संतरा बांट दो, फिर दूसरा वाक्य आएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं, केला बांट दो, अब दो वाक्य उपस्थित हो गए, क्या करें? तो विकल्प भी प्राप्त होने लगेगा, अब या तो यूं कहेंगे केला भी बांट दो, तो संतरा पहले से प्राप्ति है और केले का भी कह दिया, भी कह दिया, तो अब दोनों बटेंगे, तो उसका एक तरीका यह भी है, केला संतरा बांट दो, संतरा और केला बांट दो, तो दो को लेके उसको अनुवादी कहा जाता है, पिछले को व्यर्थ नहीं करेंगे। हम अपनी त्रुटि मानते हुए कर सकते हैं कि भाई नहीं, पहले मैं भूल गया था, मैंने केवल संतरे का बोल दिया था और अब केले का भी कहना है, ये हम अपने लिए कर सकते हैं, उसको निरस्त करके नया वाक्य भी कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र में अगर कोई वचन किया है वहां हम ऐसे हल्के रूप में नहीं ले सकते कि ये व्यर्थ ही बोल दिया गया था, गलत बोल दिया था और अब ये संशोधित करके बोला गया, ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे, वहां नहीं मानेंगे, हर वाक्य अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास यही उपाय होता है कि इसको कैसे सही मान करके कैसे प्रस्तुत किया जाए। और कोई बोले आचार्य जी, 168 पृष्ठ पर हाँ 56वां अनुच्छेद चल रहा है यहाँ पर, दूसरी पंक्ति हाँ, अत्र उत्पत्ति शिष्टाग्नयादीनाम बलियस्तत्वाद वैसुदेव शब्दस्य विश्वदेव देवता अभिधायकत्व न संभावती थी, परंतु इसके नीचे कहा कि वस्तु तस्तु तत्प्रख्या शास्त्रात एव अस्य कर्म नाम धेयत्व, तो इसमें ये इसका संगति कैसे बैठेगी? नहीं, संगति केवल ये दूसरा जो अनुच्छेद है वो तो किस बात को है, कुछ लोग चार के अतिरिक्त पांचवा निमित्त भी मानते हैं, वो पांचवा निमित्त इन्होंने उत्पत्ति शिष्ट गुण ये मान करके किया, ठीक है, तो इनका कहना है कि उत्पत्ति शिष्ट गुण की अलग से पांचवें को मानने की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं चार में से जो तत्प्रख्य शास्त्र था उससे सिद्ध हो रहा है, क्योंकि दूसरे शास्त्र में उस गुण का यानी देवता का कथन कर दिया गया है, तो तत्प्रख्य शास्त्र से ही ये हो जाएगा, तो इसलिए इन्होंने कहा वस्तु तस्तु तत्प्रख्य शास्त्रादेव अस्य कर्म नामधेयत्व, तत्प्रख्य शास्त्र से ही कर्म नामधेयत्व हो गया, ये पांचवा मानने की आवश्यकता नहीं, ये तात्पर्य है यहां पर, पांचवा मानने की आवश्यकता नहीं है, उसी से हो जाएगा, ये मतलब है। तो यहाँ पर जो इसकी जो इसका उत्पत्ति विधि के द्वारा जो देवता का यहाँ बलवता दिखा रहे हैं हाँ। तो इसके अलावा यहाँ ये तत्प्रख्या शास्त्र से भी सिद्ध हो जाएगा, ये तत्प्रख्या शास्त्र को भी जब हम लेंगे, तत्प्रख्या शास्त्र को कैसे घटाएंगे, तो हम वही लेंगे आग्नेय अष्टा कपालम निर्वपति, उसी वाक्य को जो उत्पत्ति शिष्ट गुण विधान है, देवता का विधान है, उसी को ही लेंगे हम वाक्य को, वो तत्प्रख्य वहां कहा गया है वो, और अब इस वाक्य को ले लेंगे वैश्व देवे ने यजेता, तो तत्प्रख्य शास्त्र से भी हम इन्हीं दो वाक्यों के आधार पर करेंगे, जो अन्य वाक्य है जहां उत्पत्ति में देवता का कथन है, चूंकि वहां पर हो गया कथन, यही प्रख्य तत्प्रख्य उसका कथन वहां पर हो चुका है, इसलिए यहां पर नामधेयत्व है, करेंगे वैसे ही, लेकिन पांचवा ना मान करके उन्हीं चार में से तत्प्रख्य शास्त्र से करेंगे, विधि वही है, शैली वही है। बोलो। पृष्ठ संख्या 166, इसमें पहली पंक्ति में एक वाक्य आया है शेनेन अभिचरण यजेत हाँ। तो इस वाक्य में जो शेन शब्द है इसको तत्व्यपदेश के द्वारा कर्म नामधेय है ऐसा कहा गया और ये विधेय नहीं है, तो इस कर्म नाम धेय माने या विधेय माने तो इसमें अंतर क्या पड़ेगा? शेनेन अभिचरण यजेत इसके अर्थ में कर्म नाम धेय है, तो अब ये शेन शब्द को, शेन को नहीं कह रहा है, ये
याग को कह रहे हैं, और याग की स्तुति हो सकती है। शेनेन अभिचरण यजेता, शेन नामक याग से अभिचार करे। तो तेन व्यपदेशात, व्यपदेश मतलब उपमान से, नहीं तो इसकी संगति नहीं लगेगी। तो इसको ये विधेय तो उस रूप में, ये शेनेन को हम अगर बाज लेंगे तो यहां पर गुण का मानना पड़ेगा, गुण मानना पड़ेगा इसको, नामधेय न मान करके गुण मानेंगे कि बाज वहां पर कुछ द्रव्य के रूप में काम आ रहा है याग का। तो उस रूप में अगर कोई देखना चाहे तो ठीक है, गुण विशिष्ट विधि मान लेगा, लेकिन याग मुख्य तो यहां पर किस कौन विधेय है, याग विधेय है, और वो शेन नामक याग है। तो शेन सीधे सीधे विहित नहीं है वहां पर, शेन नामक है, वो एक तरह से शेन ये शब्द याग का विशेषण बन रहा है, इसलिए जो विशेष है वही विधेय माना जाएगा मुख्य, इसलिए ऐसा कहा है। यदि अत्र शेनो विधेय, शेन का विधान किया जा रहा हो, किस रूप में कि ये याग करे तो कैसे करे, शेन से करे, यानी गुण विधि मानी जाए, शेन गुण का विधान अगर माना जाए तो ये दोष आएगा। जब शेन शब्द विशेषण के रूप में होगा और नामधेय बन जाएगा याग का, तो अब शेन का विधान नहीं है, बस नाम साथ में कथन किया जा रहा है। तो इस याग में शेन का अभिचरण होगा या नहीं होगा? नहीं, अभिचरण तो अभिचार क्रिया हो गई, शेन पक्षी से कुछ नहीं करना है वहां पर, वो तो नाम है उसका, याग का नाम है, उपमा के लिए केवल उसकी प्रशंसा के लिए कहा गया। वैसे तो शेन चिति आदि की जाती है, पक्षी के समान वो पंख जैसे ईंटों वगैरह से बनाते हैं, ईंटों से बनाते हैं, चिति होती है शेन चिति आदि, जिसमें पीछे चित्र भी दे रखे हैं, कहीं बनाते हैं वहाँ सोमयाग बेंगलोर वाले में, पांच किए थे उन्होंने इस बार, पांच चिति हो गई थी। एक चिति होती है एक ईंट से, फिर दूसरा, तो हर साल बढ़ाते जा रहे हैं, अब की बार छह करेंगे है, दस करना है अब की बार, अच्छा हाँ। तो वो एक अलग बात हो गई, चिति आदि जो होती है अलग अलग आकार प्रकार की बनाई जाती है, उसमें शेन चिति भी होती है, ये तो अभिचार कर्म है शेन नाम का, ठीक है। तो इसके विषय में वैसे पीछे आया था कि हिंसा के विषय में कहा था कि हिंसा विधान है, तो हिंसा होने से तो सारे कर्म जो हैं वेद के, इसमें अर्थ का प्रयोजन बताया था कि ये उदाहरण देकर बताया था कि ये हिंसादि विधान है, ये न हो वहां न ग्रहण किया जाए, इसलिए अर्थ शब्द पढ़ा गया। लेकिन इस वाक्य से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हिंसा नहीं है, जैसे आप प्रस्तुत हाँ, ये नहीं, उसका वहां ये भी अर्थ बताया था, उन लोगों ने जो अर्थ किया उसकी दृष्टि से था कि ये इसको हिंसा कर्म मान रहे हैं, लेकिन दूसरी दृष्टि भी तो आपके सामने रखी थी कि वेद में कहा गया तो उसको हिंसा नहीं माना जाएगा, दुष्टों को नष्ट करना हिंसा नहीं कहलाएगा। वैदिक दृष्टि से जो हिंसा, हिंसा की परिभाषा बनेगी, दुष्टों को नष्ट करना हिंसा नहीं कहलाता है। अब तो दूसरे फिर चर्चा करने लग जाते हैं, बोले भाई दुष्टों को भी नष्ट करने तो हिंसा तो आप कर ही रहे हो, मार तो रही हो, हिंसा तो हो ही रही है, तो पूर्ण हिंसा तो तब होगी जब हम दुष्टों को भी ना मारें, ठीक है। वो उस पर वो अपने को ज्यादा उच्च अहिंसक समझते हैं, लेकिन वेद की दृष्टि अलग है। अच्छा, अहिंसा हम ये चाहते हैं ना कि दूसरों को पीड़ा ना हो, बाधा ना हो, तो आपने दुष्ट व्यक्ति को छोड़ दिया, उसकी हिंसा नहीं की, वो दुष्ट क्या करेगा, कितनों को परेशान करेगा। तो हमने अपने स्तर पर अगर देखा केवल, तो हमने छोड़ दिया भाई हम हिंसा नहीं करेंगे, और अब वो समाज की में परेशान कर रहा है लोगों को, न जाने कितनों को मार रहा है, कितने दिनों महीनों सालों तक पीड़ित करेगा, वो हिंसा नहीं दिखाई दे रही है। हमने केवल ये देख लिया कि मेरी द्वारा हिंसा नहीं हो, समाज को हमने सोचा नहीं, तो कुल मिलाकर के समाज में हिंसा बढ़ी या अहिंसा बढ़ी। अगर हम दुष्ट व्यक्ति को छोड़ते हैं अहिंसा के नाम पर, तो उससे समाज में हिंसा बढ़ेगी या अहिंसा बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी, पर समाज में ऐसों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, देखो कितना अच्छा है, वे ऐसा होता तो परमात्मा ही छोड़ देता ना, परमात्मा कर्मफल व्यवस्था में क्यों दंड देता, परमात्मा तो सबसे बड़ा अहिंसक है, सबको दंड देता हुआ भी सबसे बड़ा अहिंसक है,
तो ये दोषपूर्ण है, ये शैली दोषपूर्ण है। किसी को भी यूं ही महिमा मंडित कर देते हैं एक अंग में देखते हुए, दूर तक का देखना पड़ता है ना, पूरा प्रभाव क्या आएगा। तो उस दृष्टि से इधर एक व्यक्ति की हिंसा हो रही है, अगर आप हिंसा कहो भी तो एक व्यक्ति को हम मार रहे हैं, लेकिन उससे होने वाली बहुत सारी हिंसा रुक रही है वहां, तो इसलिए ये अहिंसा कर्म ही कहलाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा होता कि हम उसको समझा देते और वो समझ जाता। ये तो मारना तो तब है जब समझता नहीं है, वो समझना से हो जाता, उसको भी हिंसा, उसकी भी हिंसा नहीं होती और उससे जो औरों की हिंसा होती है वो भी नहीं होती, ये तो सर्वश्रेष्ठ है ही। पर ऐसा अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे। तो इसलिए चूंकि इससे प्रतिफल पूरे समाज की दृष्टि से अहिंसा में आता है, इसलिए इस हिंसा को हिंसा नहीं माना जाता है, हिंसा है ही नहीं, ये न्यायपूर्वक, ये अहिंसा ही है। इस दृष्टि से वेदोक्त जो कर्म है जिसमें युद्ध भी आ गया, धर्म पूर्वक उचित जो किया जाता है वो अहिंसा ही कहलाता है, हिंसा नहीं कहलाएगा। और वो व्यक्ति गलत कर्म करेगा तो उसका भी तो पाप बनेगा, हम उसको रोक करके, हम उसको बाधित करके उसको भी तो पाप से बचा रहे हैं, उसका भी हित कर रहे हैं और दूसरों का भी हित कर रहे हैं। अहिंसा का पालन हित करने के लिए तो किया जाता है, अहित करने के लिए थोड़ा ना किया जाता है। तो जो तथाकथित अहिंसा है उसमें तो हम उस व्यक्ति का भी अहित कर रहे हैं, क्योंकि वो सुधर भी सकता है क्षमा होने पर, ना भी सुधरे, कितने लोग होते हैं करते ही रहते हैं यथावत, और दुस्साहसी हो जाते हैं और अन्यों की भी हिंसा हो रही है, तो हित कहां हुआ। हित होना चाहिए, पालन होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, ऐसी अहिंसा ही अहिंसा कहलाएगी। तो ये अहिंसा के अंतर्गत आएंगे। तो जो इस वाक्य से पीछे जो हिंसा कही गई थी, कि इस वाक्य को देखे कि वेद में हिंसा है, तो गलत अर्थ ले लिया था। हाँ, उन्होंने ऐसा लिख रखा है, वो तो मैंने साथ में आपको बताया ही था, उन्होंने ऐसा किया, वो लोग ऐसा मानते हैं, इसको हिंसा मानते हैं, वो प्रभाव रहता है समाज का, इन पे भी आया हुआ होगा, उसको उस रूप में देखते हैं। हम तो ये सिद्धांत मान के चलते हैं, वेद में जो भी कहा है वो पाप नहीं है, वो पालना के लिए ही है, वो हिंसा नहीं है। दूसरा प्रश्न, एक सौ 168वें पृष्ठ में, इसमें जो दूसरी पंक्ति है बीच में से, अत्र उत्पत्ति शिष्ट अग्नि नाम बलियस्त्वात्, तो यहाँ जो अग्नि आदि नाम का, तो आदि से विश्व देवादि लेंगे क्या? नहीं, अग्नि आदि तो जो देवता हो गए और वहां द्रव्यों का भी जो कथन है, अग्नि आदि तो देवता लेंगे, वहां बहुत सारे देवता कहे गए हैं, एक ही नहीं अनेक देवता कहे गए हैं। देखिए जैसे इसको यहां इन्होंने पृष्ठ 169 पर हिंदी में दिया हुआ है, 8 यज्ञ विहित हैं, ठीक है, 8 यज्ञ में क्या है, अग्निदेव से संबंध अष्टा कपाल याग, सोम से संबद्ध चरु, सवित्री से संबंध द्वादश कपाल, सरस्वती से संबंध चरु, पूषण देवता से का चरु, मरुद देवता का सप्त कपाल और वैश्वदेव की आमीक्षा और द्यावा पृथ्वी का एक कपाल याग, ये 8 देवता वहां पर कहे गए हैं। तो अनेक देवता है ना, तो अग्नि आदि हो गए, अग्नि आदि में है, इसमें अग्नि सबसे पहले कहा गया है, अन्य देवताओं का ग्रहण है, विश्वदेव भी इसमें लिखा हुआ है, एक सातवां है वो भी लिखा हुआ है, पर वहां अनेक देवता कहे गए ना, आदि शब्द से अन्य देवताओं का ग्रहण होगा। हाँ ठीक ठीक है। हाँ, जो वैश्वदेवेन यजेत, यहाँ वैश्वदेवेन में तृतीय रखे, तो देवता के लिए कभी तृतीय भी प्रयोग होता है? देवता के लिए तृतीय अभिव्यक्ति का प्रयोग होता है? नहीं होता है, सामान्यतया तो नहीं होता है, कह सकते हैं, इससे ही सिद्ध हो जाता है कि ये देवता नहीं है, तो कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है, ठीक है। लेकिन चूंकि वहां पर आप तृतीय अभिव्यक्ति ले ली, मान लो तृतीय अभिव्यक्ति से हमें पता लगा कि देवता नहीं है, यहां देवता के लिए तो चतुर्थी विभक्ति आएगी, इस आधार पर हम कह रहे हैं कि देवता का कथन नहीं हुआ, तो तृतीय विभक्ति का अर्थ लेना है, तो तृतीय विभक्ति का क्या अर्थ होता है, साधन या करण, तो किसको लेंगे साधन करण के रूप में, तो विश्वदेव शब्द पढ़ा हुआ है तो उसी का करणत्व आएगा, यहां पर प्रतिपदिक का करणत्व आएगा ना, तो विश्वदेव को करण के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, वहां पर क्या करेंगे, अगर वो अर्थ लें भी लेकिन वो संगत नहीं हो रहा है, संगत नहीं हो रहा है, उसका सामर्थ्य नहीं आ रहा है वहां पर,
योग्यता ही नहीं है उसकी कि विश्व देवता को कर्ण के रूप में कैसे प्रस्तुत करें हम, कर्णत्व आना भी तो चाहिए वहां पर, वैसे कैसे साधकतम हो रहा है, वो क्रिया की सिद्धि में साधकतम कैसे हो रहा है, वो योग्यता ही नहीं दिख रही है, पात्रता ही नहीं आ पा रही है, तो वो उस अर्थ में हम जा नहीं सकते। तो ऐसे में विश्वदेव शब्द देख करके त्रिविभक्ति का तो चलो दूसरी भी हो जाती है किसी और कारण से हो गई, तो विश्वदेव शब्द पड़ा हुआ है इसलिए प्रवृत्ति कहां जाएगी कि यहां देवता है और देवता तो के लिए होता है, तो इसलिए हम वहां फिर चतुर्थी का आक्षेप करने लगेंगे और देवता के लिए अर्थ नहीं लेंगे, भी देवता का कथन किया जा रहा है, फिर वहां प्राप्त हो सकता है। तो चले आगे तो पृष्ठ संख्या 170, इसमें हमने निषेध के लिए देखा प्रारंभिक निषेध की जो मीमांसा इन्होंने की कि निषेध निवर्तक होता है, विधि प्रवर्तक होता है और निषेध निवर्तक होता है, हटाने वाला होता है। ठीक है, अब वाक्य में निषेध का यानी न का संबंध किसके साथ में जुड़ेगा, वो किसको निषेध कर रहा है, इस विवेचना को किया जा रहा है। इसका शीर्षक दिया लिंगार्थ शब्द भावनाया नयर्थे न अन्वया। लिंगार्थ शब्द भावनाया, लिंग जो अर्थ है विधि विद्यादि, विधि निमंत्रणा आदि जो विद्यादि जो अर्थ है उसका, उसकी उसकी शब्द भावना का, उसकी जो शब्द भावना है उसका नए के अर्थ के साथ में अन्वय होता है, ये इनका सिद्धांत है, बाकी तो बताएंगे। उसमें आप ये ध्यान रखिए कि जैसे पीछे हमने शाब्दी भावना और आर्थी भावना समझा था प्रारंभ में, मान लीजिए यजेत, यजेत में एक धातु अंश है और एक प्रत्यय अंश है, दो हो गए। धातु का अपना अर्थ है, धातु का क्या है, हाँ यागम कुरियात याग है, उसमें भावना कौन सी लेंगे, आर्थी भावना। ठीक है, और त प्रत्यय, फिर प्रत्यय, प्रत्यय के भी फिर दो भाग हो गए, एक आख्यात और एक लिंगार्थ, दो हो गए। आख्यात क्या है, आर्थी भावना क्रिया, और लिंगार्थ क्या है, शाब्दी भावना। तो ये वहां पहुंच रहे हैं कि जो न का संबंध जुड़ता है वो प्रत्यय का जो लिंगार्थ है वो जो शाब्दी भावना है उससे जाकर के जुड़ता है। लिंगार्थ शब्द भावना है, लिंग का अर्थ, लिंगार्थ जो है प्रत्यय का, उससे जो शाब्दी भावना है उससे जाकर के जुड़ता है। अभी इसकी विवेचना देखेंगे, लेकिन एक सिद्धांत पक्ष इन्होंने बताया है। वाक्य देखिए आगे, ननु निषेध वाक्य से कथम निवर्तना प्रतिपादकत्वम इति चेद उच्चेता। अगर कोई ये कहे, मैं प्रश्न रखे कि जो निषेध वाक्य है इसका ये निर्वर्तना का प्रतिपादक कैसे है, पूर्व में इन्होंने क्या बताया, निषेध वाक्य में निवर्तना का प्रतिपादकत्व होता है, निवर्तना का प्रतिपादन करती है वो, निषेध वाक्य करता है, तो निवर्तना का प्रतिपादकत्व किसका है, निषेध वाक्य का। तो बोले निषेध वाक्य निवर्तना का प्रतिपादकत्व कैसे होता है ये तो बताओ, निवर्तना का प्रतिपादकत्व उसमें कैसे है, अगर कोई ये पूछे तो अब उत्तर दे रहे हैं, न तावत अत्र धात्वर्थस्य नयर्थेन अन्वयः। जो धात्वर्थ है उसके साथ नय का संबंध नहीं हो सकता, नय का संबंध धात्वर्थ के साथ नहीं हो सकता, यानी जो क्रियापद है आख्यात है उसका जो धातु अंश है प्रकृति जो है उसके साथ में संबंध नहीं हो सकता है। क्यों, अव्यवधाने पी तस्य प्रत्यार्थ भावनोपसर्जनत्वेन उपस्थित है। ये जो नय है न निषेध, वो यदि अव्यवहित रूप में भी धातु के साथ में जुड़ जाए, अव्यवहित रूप में यानी सीधे, जैसे कि इन्होंने एक वाक्य लिया था न कलंजम भक्षयेत, अब न तो सबसे पहले है, फिर कलंजम बीच में आ गया और भक्षयेत का भक्ष है, तो न और भक्ष, भक्ष है धात्वर्थ, इनके बीच में व्यवधान है, तो व्यवधान है तब तो कोई कह सकता है भाई व्यवधान है इसलिए संबंध नहीं जुड़ेगा उसके साथ में, पर ये कह रहे हैं कि अव्यवधाने अपि, यदि व्यवधान ना हो तो भी,
धातु के साथ में ना आया हुआ हो, यानी धातु से पहले, जैसे कलंजम न भक्षयेत, अगर न को हम यहां ले आए कलंजम न भक्षयेत, तो अब न धात्वंश के साथ में, धातु के साथ में अव्यवहित रूप में है, तो अगर अव्यवहित रूप में है तब तो जुड़ जाए, कोई ऐसा सोच सकता है, तो बोले अव्यवहित हो तो भी न यदि धातु के साथ में या आख्यात के साथ में जुड़ा हुआ है, साथ में पास में पढ़ा हुआ है, तो धातु का अंश न के साथ सबसे निकट में है, तो ऐसा हो तो भी, तो अव्यवधाने भी तस्य प्रत्यार्थ भावनोपसर्जनत्वेन उपस्थित है। तस्य मतलब उस धात्वर्थ से, धात्वर्थ के प्रत्यार्थ की भावना के उपसर्जन के रूप में उपस्थिति होने से, धात्वर्थ प्रत्यार्थ के विशेषण के रूप में आता है, वो उसका उपसर्जन है। उपसर्जन मतलब तो गौण हुआ, एक प्रधान है और एक उपसर्जन है, मुख्य है और उपसर्जन, उपसर्जन मतलब गौण या अप्रधान। तो धातु अर्थ, धात्वर्थ, धात्वंश उपसर्जन रूप में होता है, अप्रधान रूप में होता है, क्यों? क्योंकि आख्यात में धात्वंश प्रत्यार्थ का विशेषक होता है, प्रत्यार्थ का विशेषक होता है, जो विशेषक होता है यानी विशेषण होता है वो उपसर्जन होता है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, जो विशेष्य होता है, विशेष्य प्रधान होता है, ये एक मूल सिद्धांत मान के चलते हैं, विशेषण अप्रधान होता है और विशेष्य प्रधान होता है। हम कहें लाल गाय, तो इसमें प्रधानता किसकी है? गाय की है, क्योंकि वो विशेष्य है और लाल जो है वो विशेषण है, उपसर्जन है, विशेषण है यानी उपसर्जन है। तो जब यजेत इतना हमने बोला, तो यज जो है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, प्रत्यार्थ की मुख्यता है। यद्यपि ये विषय चलता है कि धत्वर्थ की प्रधानता है या प्रत्यार्थ की प्रधानता है, भिन्न भिन्न दृष्टियों से होता है, मीमांसा में प्रत्यार्थ की ही विशेषता मानी जाती है। तो धातु अंश प्रत्यार्थ को विशेषित कर रहा है, इसलिए वो गौण है, उपसर्जन है, हो गया। तो उन्होंने कहा प्रत्यार्थ भावनोपसर्जनत्वेन, प्रत्यय के अर्थ की भावना, प्रत्यार्थ जो है उसकी उसकी जो क्रिया है उसके उपसर्जन के रूप में, उसके विशेषण के रूप में ये उपस्थित होता है। न ही अन्योपसर्जनत्वेन उपस्थितम अन्यत्र अन्वेति, जो उपसर्जन के रूप में अन्य से जुड़ा हुआ होता है वो दूसरे और किसी के साथ में नहीं जुड़ता, पहले एक बार जुड़ चुका है वो विशेषण के रूप में। तो हम कहें काली गाय नहीं है, काली गाय नहीं है, तो जो काला है ये गाय के साथ जुड़ चुका है, अब ये जो ना है ये काले के साथ में नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि काला गाय के साथ जुड़ चुका है पहले, वो काला उससे भी जुड़ जाए और न से भी जुड़ जाए ऐसा नहीं है विशेषण। तो इसलिए इन्होंने कहा न ही अन्योपसर्जनत्वेन उपस्थितम अन्यत्र अन्वेति, एक जो उपसर्जन होता है गौण होता है वो दूसरी जगह के साथ में नहीं जुड़ता है। हाँ, जो विशेष्य होता है वो अनेक उपसर्जनों के साथ में जुड़ जाता है, अनेक विशेषणों के साथ में जुड़ जाता है, लेकिन विशेषण उसके साथ में ही जुड़ेगा। उदाहरण दिया देखो, अन्यथा यदि ऐसा ना माने तो राजपुरुषम आनय इत्यत्रापि इत्यत्र इत्यादौ अपि राज्यः क्रियान्वयापत्तेः, राजपुरुषम आनय, राजपुरुष को लेकर के आओ, राजपुरुष समस्त पद हो गया। अब इसमें राज शब्द उपसर्जन है, गौण है, पुरुष शब्द मुख्य है, व्याकरण की दृष्टि से तो ठीक है, तत्पुरुष समास है, उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद प्रधान है तो पूर्व पद गौण हो गया। अगर इसको दूसरे ढंग से भी समझिए वैसी भाषा में, कि पुरुष शब्द विशेषण है या विशेष्य है, और राज शब्द विशेषण है या विशेष्य है। जब हमने कहा कि राजपुरुष, तो कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है, हम इसमें कहना किसको चाह रहे हैं, राजा को कहना चाह रहे हैं या पुरुष को कहना चाह रहे हैं? पुरुष को कहना चाह रहे हैं, और पुरुष तो बहुत तरह के हो सकते हैं, तो कौन सा पुरुष? राजपुरुष। तो राज शब्द पुरुष की विशेषता बता रहा है, तो राज शब्द विशेषण हुआ और पुरुष शब्द विशेष्य हुआ। जो विशेषण होता है वो उपसर्जन होता है, गौण होता है,
क्योंकि विशेषण विशेष्य के लिए है। यूं व्यवहार में हम देखेंगे कि भाई कौन प्रधान होता है, राज पुरुष प्रधान होता है या राजा प्रधान होता है, वो ठीक है राजा प्रधान होता है कोई बात नहीं है, या कहीं प्रसंग भेद से कोई प्रधान अप्रधान हो, लेकिन शब्द में राज पुरुष शब्द में कौन प्रधान है, वक्ता किसको मुख्य कहना चाह रहा है वही प्रधान होगा, पुरुष प्रधान है। तो राज शब्द विशेषण है इसलिए उपसर्जन है। अब ये किससे जुड़ा हुआ है, राज शब्द पुरुष के साथ में जुड़ा हुआ है। अब कहते हैं राजपुरुषम आनय, राजपुरुष को लाओ, तो आनय क्रिया का संबंध अब पुरुष के साथ ही जुड़ेगा, राज के साथ नहीं जुड़ सकता। तो ये कह रहे हैं कि यदि उपसर्जन का दूसरों से भी संबंध होने लगे तो फिर तो राज शब्द का आनय क्रिया के साथ में संबंध जुड़ जाएगा। जब कहेंगे राजपुरुषम आनय तो राजा को भी ले आएगा और पुरुष को भी ले आएगा, अनर्थ हो जाएगा, वक्ता का अभिप्राय ही नहीं है, ये भाषा ही नहीं इस बात को कहती है। तो जो उपसर्जन होता है वो दूसरे के साथ में संबद्ध नहीं होगा, राज शब्द पुरुष के साथ में जुड़ चुका है, अब ये पुरुष शब्द दूसरे के साथ में नहीं जुड़ेगा। बस ऐसे ही धातु का अंश प्रत्यय के विशेषण के रूप में आया है इसलिए वो उपसर्जनीय गौण हो गया है, अब ये न के साथ में नहीं जुड़ सकता है, न के साथ में नहीं जुड़ेगा, उदाहरण में अभी देखेंगे। तो कहा अन्यथा राजपुरुषम आने इत्यादौ अपि राज्य क्रिया अन्वया प्रत्यय दोष आएगा, अतः प्रत्यार्थस्यैव नयार्थेन अन्वयः, ये सिद्धांत कह दिया नये के अर्थ का संबंध प्रत्यार्थ के साथ में होगा, धात्वर्थ के साथ में नहीं होगा, धात्वर्थ को हटा दिया इन्होंने। अब आगे अगला चरण कहते हैं तत्रापि न आख्यात तत्वांश वाच्यार्थ भावनायाः, अल्प विराम। अब प्रत्यय में भी दो अर्थ हैं, एक आख्यात और एक लिंग लिंगार्थ, दो हैं वहां पर। बोले वहां पर भी आख्यात तत्वांश वाच्यार्थ, आख्यात तत्व इस अंश का वाच का जो वाच्यार्थ है उस भावना के साथ में इसका संबंध नहीं होगा। आख्यात क्या, भावना को क्रिया को बोलता है, आर्थिक क्रिया को बोलता है, उसके साथ भी संबंध नहीं बनेगा इसका। क्यों, तस्या लिंगंश वाच्य प्रवर्तनोपसर्जनत्वेन उपस्थित है, क्योंकि जो आख्यार्थ है ये भी लिंगंश का विशेषण के रूप में है। तस्या लिंगंश वाच्य प्रवर्तना, लिंग के लिंगंश के द्वारा कहे जाने वाली जो प्रवर्तना है, प्रेरणा है, विधि है, उसके उपसर्जन के रूप में उपस्थित है, उसके विशेषण के रूप में उपस्थित है ये भी आख्यात भी, इसलिए उसके साथ भी नहीं जुड़ेगा। तो धात्वर्थ भी उपसर्जन हो गया और आख्यात प्रत्यय का आख्यात अंश भी उपसर्जन हो गया, इन दोनों के साथ में नहीं जुड़ेगा। आगे किंतु लिंगंश वाच्य शब्द भावनायाः, लिंग अंश के द्वारा, प्रत्यय के लिंगंश के द्वारा कही जाने वाली जो शाब्दी भावना है उसके साथ में इसका संबंध जुड़ेगा। क्यों, तस्याः सर्वापेक्षया प्रधानत्वात्, सबकी अपेक्षा से उसकी प्रधानता होने से, बाकी सब उसके विशेषण बन रहे हैं, ये विशेष्य हैं, तो परस्पर विशेषण विशेष्य बनते हुए भी अंततः जो विशेष्य बन रहा है उसकी प्रधानता होगी और नए का संबंध उसी के साथ में जुड़ेगा, ये सिद्धांत था इन्होंने चर्चा की। अब इसका शीर्षक इसी दृष्टि से देखिए, लिंगार्थ शब्द भावनाया, लिंगार्थ की जो शब्द भावना है उसके नए, उसका नए अर्थ है ना अन्वय, नए के अर्थ के साथ में अन्वय होता है, संबंध होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा उदाहरण में घटा करके देखते हैं, वाक्यार्थ बोध की दृष्टि से देखिए कि न को हम अलग अलग चीजों के साथ में जोड़ देंगे तो कैसे कैसे अर्थ निकलने लग जाएंगे। तो पहले इसी उदाहरण को ले लेते हैं, न कलंजम भक्षयेत, न कलंजम भक्षयेत, तीन शब्द हैं हमारे पास, न कलंजम भक्षयेत, न शब्द किसके पास में पढ़ा हुआ है, कलंज के पास में पढ़ा हुआ है, तो सन्निधि भी एक अर्थ में कारण बनता है कि ये कहां पढ़ा हुआ है, विशेषण विशेष्य किस शब्द के निकट पढ़ा हुआ है उससे भी अंतर आ जाता है। तो न कलंजम भक्षयेत, तो अब अगर यदि न का संबंध कलंज के साथ में जोड़ दें, भक्षयेत अभी धातु वातु का तो छोड़ो, अभी इससे कलंज के साथ में जोड़ दिया, तो न कलंजम भक्षयेत,
तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? अकलंजम भक्षयेत, क्योंकि भक्षण क्रिया के साथ निषेध नहीं हुआ है, खाना तो है, भक्षयेत किसी चीज के खाने का कथन कर रहा है, भक्षयेत का निषेध नहीं किया है अभी हमने कलंज का निषेध किया है, तो इसका मतलब होगा कलंज से भिन्न को खाए, ठीक है, कलंज भिन्नम, कलंज भिन्न को खाए, मतलब शेष सबको खाए, कलंज भिन्न भिन्न का भक्षण करे, ये इसका है, भक्षण का निषेध नहीं हुआ, हो गया। अब दूसरा अगर लें, न कलंजम भक्षयेत, अब यहां जो इन्होंने अर्थ संग्रह में लिखा, धात्वर्थ के साथ में जोड़ते हैं इसको, धात्वर्थ के प्रत्यय के साथ में नहीं, यानी आख्यात के प्रत्यय के साथ में नहीं, केवल धातु अंश के साथ में। तो न कलंजम भक्षयेत, न का संबंध अगर भक्षण के साथ में करेंगे तो होगा कलंजस्य भक्षयेत, को अगर हम दो भागों में करें, जैसे यजेते को क्या किया था हमने, यागम कुर्यात, भक्षयेत को हम तोड़ दें तो क्या है, भक्षणम कुर्यात, भक्षण करें, तो अब वाक्य क्या बनेगा, भक्षणम के साथ में न को जोड़ दिया, कलंजस्य अभक्षणम कुर्यात, कुर्यात के साथ नहीं जोड़ रहा है, केवल भक्ष धात्वंश है उसके साथ न को जोड़ा, तो कलंजस्य अभक्षणम कुर्यात। अब कोई कहे कि अभक्षण को करे, अभक्षण तो कोई क्रिया ही नहीं होती है, वे अभक्षण है, अभक्षण कोई क्रिया है क्या, भक्षण तो क्रिया थी, अब कहे कि अभक्षण को करे, अभक्षण को क्या करेगा, अभक्षण तो स्वयं अकर्म है, अकर्म को अकर्म क्या करेगा, भाई जो क्रिया ही नहीं है, नहीं भक्षण भिन्न भक्षण सदृश नहीं वहां, हाँ ठीक कह रहे हो, कलंजस्य अभक्षणम कुर्यात, यानी कलंज का भक्षण से भिन्न कुछ और प्रयोग करें, कलंजस्य अभक्षणम कुर्यात, भक्षण के अलावा लेप भी तो कर सकते हैं, उसको सूंघ भी तो सकते हैं, उसको फेंक भी तो सकते हैं, और कोई भी प्रयोग हो सकता है। तो अगर न का संबंध भक्षण क्रिया के साथ में, धत्वंश के साथ में जुड़ेगा, तो कलंजस्य अभक्षणम कुर्यात, कुर्यात का निषेध नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि कुर्यात तो निषिद्ध नहीं है अभी, करने के लिए निवृत्त नहीं किया जा रहा है, भक्षण भिन्न कुछ करने के लिए प्रवृत्त किया जा रहा है, निवृत्ति नहीं होगा। हमारे को क्या अर्थ देखना था, निवर्तक होता है, क्रिया को हटाने वाला होगा वहां पर, तो कलंजस्य अभक्षणम कुर्यात, कलंज का भक्षण भिन्न कुछ और करे, भक्षण ना करे, भक्षण भिन्न कुछ और करे, ये विधि मानी जाएगी वहां पर, भक्षण भिन्न कुछ और करे। अब और तीसरा अर्थ लेते हैं हम, तीसरा कहां जोड़ेंगे, हमने कलंज के साथ नहीं जोड़ा, जोड़ सकते, भक्ष के साथ में नहीं जोड़ सकते, तो अप्रत्यय के साथ में जोड़ेंगे। अब प्रत्यय के भी दो भाग थे, एक आख्यातांश एक लिंगांश, अब आख्यात के साथ में जोड़ते हैं, आख्यात के साथ में जोड़ते हैं, तो क्या बनेगा, कलंज भक्षणस्य अकरणम कुर्यात। अब जब यूं देखे, देखो यूं देखो, पहले तो है न कलंजम भक्षयेत, भक्षयेत को हमने तोड़ दिया, भक्षणम कुर्यात, भक्षयेत को हमने दिया भक्षणम कुर्यात, अब कुर्यात को भी तोड़ देंगे तो करणम कुर्यात, कुर्यात को अगर करेंगे तो क्रिया को करे, यही तो आएगा, भक्षयेत भक्षणम कुर्यात, भक्षण करे, अब कुर्यात भी है तो वहां पर, अब कुर्यात में भी एक क्रिया अंश अलग है और लिंग अंश अलग है, एक देखो तो इतना तो देखो ना, यू तो कहीं भी जाएगा, कुर्यात में भी तो धात्वंश है और लिंगांश भी है, तो करने को करे, यही तो अर्थ आएगा, करणम कुर्यात, यही तो आएगा, करणम कुर्यात। तो कलंज तो हमने जुकतु ले लिया, भक्षण भी ले, तो कलंज भक्षणस्य अकरणम कुर्यात, कलंज भक्षणस्य अकरणम कुर्यात, ये अर्थ बनेगा यदि हम आख्यात के साथ में न को जोड़ देंगे, प्रत्यय के आख्यात अंश के साथ जोड़ देंगे, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, कलंज भक्षणस्य अकरणम कुर्यात। तो जो अकरण है, न करना है,
उसका करना तो होता ही नहीं है। न करने का क्या करना, जो नाम ही न करना है तो न करने का करना क्या है? अकर्म का कर्म नहीं होता है, कर्म का करना होता है। कोई कर्म हो तब कहेंगे ये करे, अकर्म का क्या करना है? तो वाक्य में दोष आएगा। क्या कुछ करना है? बोले नहीं करना ही करना है। और कई जने ध्यान साधना में भी बोल देते हैं कि कुछ ना करना ही बस वहां पर करना है, वो आपस में करना नहीं है, दूसरों को रोकना है। ये तो फिर भी सकारात्मक हो सकता है कि भाई वृत्तियों को रोक रहे हैं। बोले कुछ ना करना ही करना है, ना करना तो कुछ करना होता ही नहीं, तो इसलिए आख्यात के साथ भी नहीं जुड़ेगा। अब हम इसको ना को जोड़ेंगे लिंगर्थ के साथ, प्रत्यय के लिंगर्थ के साथ में जोड़ेंगे तो क्या होगा? कलंज भक्षण क्रियातः निवृत्ति ही। कलंज भक्षण की जो क्रिया थी, कलंज के साथ ना नहीं जोड़ा, भक्षण के साथ ना नहीं जोड़ा, और उसकी जो क्रिया है उसके साथ ना नहीं जोड़ा। कलंज भक्षण की जो क्रिया थी अब उसे लिंगच विधि की जा रही है, निषेध रूप में निवृत्ति हो जाए, कलंज भक्षण की क्रिया से निवृत्ति हो, ये इसका मतलब है। बस कलंज भक्षण क्रियाया निवृत्ति ही, कलंज भक्षण रूप जो क्रिया थी उससे निवृत्ति हो रही है, ये निवर्तक हो गया। कलंज भक्षण करने की जो क्रिया थी उससे निवर्तन, क्रिया से निवर्तन आएगा, ये तब बनेगा अर्थ जब हम लिंगंश के साथ में ना को जोड़ेंगे। तो निषेध वाक्य निवर्तक होता है तो यहां जाकर के घटेगा, ठीक है? तो न कलंजम भक्षयेत कैसे कैसे हो सकता है? अकलंजम भक्षयेत, कलंज के साथ जोड़ा, कलंजस्य अभक्षणम कुर्यात, लेकिन कलंज का कुछ भक्षण को छोड़ के कुछ और करे कलंज के साथ में, कलंज भक्षणस्य अकरणम कुर्यात, प्रत्यय के आख्यात अंश का निषेध किया, अब प्रत्यय के लिंगंश का निषेध करेंगे, कलंज भक्षण क्रियायाः निवृत्ति, ये इसका वाक्यार्थ बोध है। तो न का संबंध कहां से जुड़ा है? लिंगंश के साथ में, उसका निषेध जाके करेगा। हम सामान्य भाषा में कह देते हैं बिना कलंजम भक्षयेत, बोले किसका निषेध किया जा रहा है? कलंज का निषेध किया जा रहा है। कोई कहेगा नहीं, कलंज के भक्षण का निषेध किया जा रहा है, क्योंकि कलंज का निषेध किया जा रहा है मतलब क्या, कलंज को खरीदा ना जाए, कलंज को देखा ना जाए, कलंज का निषेध किया जा रहा है मतलब जुड़ा हुआ रहेगा कलंज के भक्षण का निषेध किया जाए। भाई भक्षण का निषेध क्या होता है? भक्षण का निषेध कोई अलग से क्रिया थोड़ा है, वहां करेगा क्या व्यक्ति? तो कलंज भक्षण रूप क्रिया से निवृत्त होगा, उपरत होगा, यह वाक्यार्थ बोध बनेगा। दूसरा वाक्य उदाहरण ले लेते हैं, ब्राह्मणो न हंतव्य, ब्राह्मणों न हंतव्य, ब्राह्मण मारने योग्य नहीं है, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, ठीक है? अब उसी तरह एक एक के साथ जोड़ेंगे, न को कहां जोड़ेंगे? अभी भले ही बीच में है, हम आगे भी ले सकते हैं, न ब्राह्मणो हंतव्य, ब्राह्मणों न हंतव्य, तो न को ब्राह्मण के साथ में जोड़ दिया, तो अब ब्राह्मण हंतव्य, अब हंतव्य का निषेध नहीं है, हंतव्य तो विधि कह रहे हैं कुछ करना है हमारे को, अर्थात ब्राह्मणों के अतिरिक्त जो है ब्राह्मण भिन्न तद भिन्न तत्सदृश अर्थ आएगा, उन सबको मारना चाहिए, जैसे कि परशुराम जी के लिए कहा जाता है क्षत्रियों का नाश कर दूंगा, ऐसा कुछ था उनका, इतनी बार किया जो भी एक कथा है, वो ब्राह्मण थे, तो ऐसे कोई भाई ब्राह्मण को छोड़ के बाकी सबको मारना चाहिए, यह अर्थ निकल जाएगा जो कि अनिष्ट है। यहां ये वक्ता ये नहीं कहना चाहते हैं, तो ब्राह्मणों न हंतव्य, अब्राह्मण हंतव्य ये हमारा मतलब नहीं है, अब ब्राह्मण को मारना चाहिए। अब हं धातु के साथ में जोड़ लीजिए इसको, ब्राह्मणस्य अहननम कर्तव्यम, अहननम कुरियात,
ब्राह्मण का अहनन करे, ब्राह्मण का अहनन करे, करे को निषेध नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना है वहां पर, तो क्या करे भाई, अहनन उसके मारने के अतिरिक्त तो जो चीजें हैं वो करे, या फिर उसी जैसी चीजें आएंगी भाई, ब्राह्मण की पूजा करे, ब्राह्मण का सम्मान करे, ब्राह्मण को दक्षिणा दे, ये अर्थ निकल के आएंगे इस वाक्य के। ब्राह्मण का अहनन करे, अहननम कुर्यात, ठीक है, अर्थात ब्राह्मण का अमारण करना चाहिए, अमारण मतलब मारण से भिन्न जो कुछ है वो करना चाहिए, इस वाक्य का ये अर्थ निकल के आएगा। फिर वाक्य अर्थ बोध ये बनेगा, यदि न का संबंध हम धातु के अंश के साथ में जोड़ रहे हैं, अगर परेशान को भी हनन में ले लें तो ठीक है, उसको भी नहीं लेंगे, लेकिन चलो एक मारना मतलब जान से मारना है तो फिर ठीक है, परेशान करने को भी उसमें विधि मान सकते हैं, कुछ भी इससे भिन्न, आप हनन का जो भी अर्थ ले रहे हो उससे भिन्न सारी चीजें करें, ये विधि मानी जाएगी यहां पर, निषेध नहीं हुआ, ये निवर्तना नहीं हुई है, ये प्रवर्तना बन जाएगी, जबकि ये जो निषेध है ये निवर्तना के लिए है, इस जगह ऐसी जगहों पे। आगे अगर हम न का संबंध प्रत्यय के आख्यात अंश के साथ में जोड़ेंगे, ब्राह्मणो न हन्यात, तो ब्राह्मणस्य हननम न कुर्यात, जब हम ये करेंगे ब्राह्मणस्य हननम, ब्राह्मणस्य हनन अकरणम कुर्यात, ब्राह्मणस्य ब्राह्मण ब्राह्मणस्य हनन अकरणम, हननस्य अकरणम कुर्यात। अब ये अकरणम कुर्यात जब अर्थ करेंगे तो जो अकरण है उसको करने का क्या हो सकता है, अक्रिया को क्रिया नहीं हो सकती, अकर्म को कर्म नहीं कर सकते, अकर्म तो अकर्म है, इसलिए यह अर्थ भी संगत नहीं है। तो अंत में फिर क्या निकलेगा, ब्राह्मण मारण रूप क्रियाया निवृत्ति ही, ब्राह्मण को मारने रूप जो क्रिया है उससे हटाया जा रहा है, ब्राह्मणों ना हंतव्य है का मतलब निकलेगा ब्राह्मण को मारने रूप क्रिया से उसकी निवृत्ति है। तो अब जो लिंगंश था उसके साथ नए का संबंध बनाए, ये वाक्यार्थ बोध बनेगा, हो गया, बोलिए आचार्य जी। इसमें हम वाक्यार्थ बोध देखते समय सीधा जो नई को क्रिया के साथ जोड़ के उसका वाक्यार्थ निकाल रहे हैं, तो इसको हम कैसे समझे कि सीधा वो नई के साथ जुड़ने पर ही उसका यही वाक्यार्थ है, दूसरे से भी उसका अर्थ तो निकल ही रहा है। नहीं निकल रहा है, लेकिन ये एक बात बता रहे हैं कि नए का संबंध विधि अंश, क्योंकि इसमें निवर्तना होती है, निवर्तना तभी होगी जब विधि अंश के साथ में जुड़ेगा, वो बाकी करने से कोई ना कोई अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन वो भिन्न अलग अलग कुछ कुछ अटपटे अर्थ निकल के आएंगे जो कि वक्ता को अभिप्रेत नहीं है। तो यहां क्या उचित अर्थ लेना चाहिए वही बताया जा रहा है, अगर किसी को वो दूसरे अर्थ लेने हैं तो दूसरे ढंग से वाक्य बनाएगा, इस तरह का वाक्य है वहां तो ऐसे ही अर्थ निकलेगा। यहां पर विधि का ही निवर्तन कर रहे हैं, जो क्रिया में जोड़कर निवर्तना बता रहे हैं उसी का निवर्तन कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम कलंजन न भक्षयतम भक्षयेत जब देख रहे तो अकलंजम भक्षयेत, यहां पर भी किसी चीज का निवर्तन तो हो ही रहा है। नहीं, वहां विधि मुख्य हो जाएगी, तद्भिन्न तत्सदृश को भक्षण की विधि मानी जाएगी वहां पर, ठीक है। तात्पर्य में आप कह दें कि भाई औरों को खाने का कह दिया तो इसका निषेध हो गया, तो बाकी सब खाने की विधि, वाक्य का मुख्य प्रयोजन क्या माना जाएगा, विधि, उन सबको खाने के लिए कहा जा रहा है, ये उसका आएगा। अब यूं है, हम कुछ भी अर्थ लेते हैं तात्पर्य से समझ लेते हैं वो तो ठीक है, तात्पर्य हम ठीक समझ रहे हैं, हम कहीं भी जोड़ें लेकिन तात्पर्य हम वही ले लेते हैं, ये विवेचना तो यहां पढ़ रहे हैं मान लो शास्त्र में, जिन्होंने ये विवेचना नहीं पढ़ी है वो भी क्या अर्थ लेते हैं, लोक में तो ठीक ही अर्थ ले लेते हैं, आपत्ति नहीं है उसमें, कलंजम न भक्षयेत का वो भी वही अर्थ लेंगे जो इसको करने के बाद में भी हम अर्थ ले रहे हैं, वहां समस्या नहीं है, वहां तो हमारा भाषा का प्रवाह रहता है इसलिए हम ठीक अर्थ समझ लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्थल जो शास्त्र के आएंगे वहां हमें कभी विवेचना करनी पड़े तो कैसे संगति लगाएंगे, वो प्रक्रिया हमारे को यहां बताइए, ये तो उदाहरण है, यहां तो घट जाएगा,
या तो हमारे लिए कठिन वाक्य नहीं है। अच्छा, एक तीसरा उदाहरण और लेते हैं, उसको आप करके बताइए, जो कल भी मैंने थोड़ा आपके सामने रख दिया था। न कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते नरे। यद्यपि यहां पर विध्यंश नहीं है, जो भी है लेकिन प्रत्यांश है वहां पर लगेगा, वो विधि नहीं है। न लिप्यते, न लिप्यता ऐसा नहीं है, न लिप्यते बस इतना है। तो न कर्म लिप्यते नरे, अगर न को कर्म के साथ में जोड़ दिया जाए, क्योंकि सन्निधि है पास में ही पढ़ा हुआ है, तो क्या होगा? अकर्म लिप्यते नरे, जो अकर्म है वो मनुष्य से लिप्त होते हैं। अकर्म किसे कहते हैं? जो कर्म नहीं है। कर्म भिन्न तद्भिन्न तत्सदृश ज्ञान और उपासना। तो अकर्म जो है यानी ज्ञान और उपासना, वो आदमी से लिप्त हो जाते हैं। अलिप्त होना निंदित अर्थ में है यहां पर, जबकि ज्ञान और उपासना निंदित नहीं है। ज्ञान और उपासना हाँ चिपट जाते हैं, चिपट जाना निंदित अर्थ में है। ये तो ज्ञान और उपासना लिप्त हो जाते हैं, इसका वाक्य का अर्थ वहां चला जाएगा। अकर्म लिप्यते नरे, अगर करते हैं तो। दूसरा, न कर्म लिप्यते नरे, नरे के साथ में अगर अजोड़ दें तो, न जोड़ दें तो कर्म अनरे लिप्यते। अनरे मतलब नर से भिन्न, मनुष्यों से भिन्न, जो अन्य पशु प्राणी हैं उनसे लिप्त होते हैं। कर्म किसके लिप्त होते हैं? परों से लिप्त होते हैं, मनुष्य से नहीं होते। कर्म अनरे लिप्यते, ये भी फिर एक अलग अर्थ आ जाएगा। अब अगर यदि न कर्म लिप्यते, लेप के साथ में न को जोड़ देंगे, लिप्यते में धातु, धातु के साथ में जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा? कर्मणः अलेपनम भवति नरे, नरे कर्मणः अलेपनम भवति, नरे मनुष्य में कर्म का अलेपन होता है, यानी लेपन से भिन्न कुछ और होता है। क्या होता है? वो कुछ भी होता है लेकिन लेपन से भिन्न कुछ होता है, ये तात्पर्य निकल करके आएगा। कर्मणः अलेपनम भवति नरे। अब अलेपन या तो तद्भिन्न कुछ हम लेंगे तो, और अगर लेपनस लेपन रूप जो कर्म है, लेपन रूप कर्म, लेपन रूप अकर्म का अकरण का करण होता है, अगर वहां हो जाएंगे तो वो अकर्म में कर्म की बात आने लगी, वही दोष आएगा। तो इसलिए यहां पर क्या बनता है? कर्मणः लेपनम नरे न भवति, न भवति लेपनम न भवति। लिप्यते को हमने कर दिया ना, लेपनम लिप्यते मतलब लेपनम भवति, लेपन को धात्वंश को अलग कर दिया और प्रत्यांश भवति को हमने अलग ले लिया, तो अर्थ क्या निकलेगा? नरे कर्मणः लेपनम न भवति, मनुष्य में कर्म का लेप नहीं होता है। हम यही अर्थ लेते हैं ना। वैसे तो इसमें भी अपने आप में विचित्र बात है, कर्म ही तो लिप्त होते हैं, कर्म ही तो लिप्त होते हैं, कर्म करते हैं तो उससे लिप्त हो जाते हैं हम, होते हैं नहीं? किसी कर्म को करते हैं लिप्त हो जाते हैं ना, उससे राग द्वेष हो जाते हैं, निर्कर्म छूटते नहीं है, लिप्त हो जाते हैं ना हम, कर्म से लिप्त हो जाते हैं, और कर्म के कारण ही तो जन्म मरण का बंधन आता है, कर्म के कारण ही तो ये शरीर मिलता है, तो एक तरह से लिप्त हो गए हम, कर्म के कारण से जुड़ जाता है हमारे साथ में। तो लेकिन वेद तो कह रहा है कि कर्म लिप्त नहीं होता है, इसलिए कहा कुर्वन्ने वेह कर्माणि जी जी विशेषतम समा, 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। और एक तो एवं तो ही नान्य थे तो और कोई उपाय भी नहीं है, और साथ में बताया भी जा रहा है कि कर्म लिप्त नहीं होता है, चिंता क्यों कर रहे हो कर्म से? तो उस कभी लिप्त तो कुछ और चीज होती है, लिप्त तो उस कर्म के साथ जो सकामता है वो होती है, वो जो राग द्वेष है वो लिप्त करता है, कर्म अपने आप में लिप्त नहीं करता है, क्योंकि निष्काम कर्म करते हैं तो वो जन्म देता ही नहीं है, निष्काम कर्म करें तो लिप्त होता ही नहीं है,
तो सकाम कर्म लिप्त करता है, निष्काम कर्म लिप्त नहीं करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? कर्म लिप्त करता है या सकामता निष्कामता लिप्त करती है? सकामता निष्कामता, सकामता लिप्त करेगी, निष्कामता हटा देगी। तो कर्म में तो लेपन की बात ही नहीं है, लेप तो सकामता निष्कामता से हो रहा है, इसलिए न कर्म लिप्यते न रे। तो इसमें हमारा बोध होगा कर्मणः लेपनम न भवति नरे, मनुष्य में कर्म का लेप नहीं होता है। तो कर्म तो करने ही है, कर्म से बचने की बात नहीं है, नहीं तो एक बहुत बड़ा वर्ग अध्यात्म में भी बन जाता है जो क्या करता है, कर्म विराम, कुछ नहीं करना है, क्योंकि कर्म किया तो पाप पुण्य बनेंगे, अब वो चाहे पुण्य किए तो सोने की बेड़ी और पाप किए तो लोहे की बेड़ी, सोने की बेड़ी है लोहे की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी है, बंधन तो बंधन है, इसलिए कर्म ही नहीं करना है। इस सिद्धांत पे पहुंच जाते हैं साधुओं के बड़े बड़े वर्ग हैं। तो वेद कह रहे हैं न कर्म लिप्यते न रे, कर्म तो लिप्ति नहीं होता है, कर्म तो हम कर सकते हैं, उसकी वासना को, दोष को, अविद्या को, वो हमें हटाना है, सकामता को, बस यही हमारा कर्तव्य है, कर्म को छोड़ने की बात नहीं है। इसलिए धर्म और अध्यात्म को अकर्म से जब जोड़ दिया जाता है तो वो गलत अर्थ ले लिया जाता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवता सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।